मैनपुरी लोकसभा का यह उपचुनाव पूरी तरह से मुलायम सिंह यादव की सियासी विरासत के इर्द गिर्द सिमटा रहा। यह अखिलेश यादव की बड़ी रणनीति थी कि हर सभा में मुलायम सिंह यादव के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, उनके विकास के काम की याद दिलाई जाए और जनता से ऐसा भावनात्मक रिश्ता कायम किया जाए जिससे उपचुनाव में पार्टी की नैया पार लगाई जा सके। डिंपल यादव ने भी यहां पर सभाएं की, उन्होंने हर बार मुलायम सिंह यादव का नाम लिया। अब सपा की इस बड़ी जीत को मुलायम सिंह के निधन के बाद पैदा हुई सहानुभूति लहर से भी जोड़कर देखा जा रहा है। यही वजह थी कि जीत की तस्वीर साफ होने के बाद तमाम सपा नेता सबसे पहले सैफई के मुलायम समाधि पर पहुंचे और नेताजी को नमन किया। महाविजय के बाद डिंपल यादव नेताजी को नमन करने सैफई के इस समाधि स्थल पर पहुंची तो उनके साथ सपा के कई नेता मौजूद थे। सभी मुलायम की कर्मभूमि की इस मिट्टी को नमन कर रहे थे, मुलायम की समाधि की मिट्टी को माथे से लगा रहे थे। इस तरह सपा ने अपनी जीत को मुलायम को समर्पित किया। ये चुनाव नेताजी का चुनाव था, हम लगातार लोगों के बीच में गए हैं, हमने यही बात रखी है। और मैंने कहा था कि मैनपुरी लोकसभा क्षेत्र के लोग जो नेताजी का परिवार है वो इतिहास रचने का काम करेगा और आज ये जीत जो हमें मिली है ये जीत मेरी नहीं है, ये इस क्षेत्र के सभी लोगों की जीत है और ये जीत नेताजी को समर्पित है। ये मैनपुरी के मतदाताओं की नेताजी को सच्ची श्रद्धांजलि है। ये जीत मैनपुरी के मतदाताओं ने सच्ची श्रद्धांजलि नेताजी को दी है और साथ ही साथ नकारात्मक राजनीति को पराजित मैनपुरी की जनता और मैनपुरी की लोकसभा की जनता ने किया है। इससे पहले दिन भी अखिलेश ने समाधि स्थल पर जाकर नेताजी को श्रद्धांजलि अर्पित की थी। जब सबकी नजर मतगणना केंद्र पर थी, अखिलेश यादव की नजरें नेताजी के समाधि स्थल को ताक रही थी। दोपहर को अखिलेश ने सैफई में मुलायम सिंह यादव के समाधि स्थल पहुंचकर उन्हें प्रणाम किया। तब तक रुझानों में डिंपल यादव ने बड़ी बढ़त बना रखी थी और कदम दर कदम जीत की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया था। शिवपाल यादव भी नेताजी को नमन करने पहुंचे, बेटे आदित्य उनके साथ थे। दोनों ने मुलायम की तस्वीर पर फूल चढ़ाए। शिवपाल ने इस तस्वीर के साथ ट्वीट किया कि ये जीत नेताजी के आदर्शों की जीत है। हम लोग पहले से तय कर चुके हैं कि नेताजी के आदर्शों पर चलना है, नेताजी के विचारों पर चल करके और आज से फिर से नए युग की शुरुआत हो गई है। और जो नेताजी के जो इस क्षेत्र में पूरे मैनपुरी में जो नेताजी का लोग चाहते थे तो उसी की वजह से पूरे लोकसभा की जनता ने लंबी जीत करा दी है। दरअसल शिवपाल ने अखिलेश के साथ सुलह के ऐलान से पहले पिछले दिनों अपने समर्थकों के बीच कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे ऊपर सपा को हराने का कलंक आए। शिवपाल ने समर्थकों से तभी कह दिया था कि बहू को जीत दिलवाने के लिए तैयार हो जाओ। अखिलेश के साथ सभा की शुरुआत इसके बाद में हुई थी। गुरुवार को मतगणना के बीच जैसे जैसे डिंपल यादव जीत की डगर पर आगे बढ़ती गई, नेताजी के समाधि स्थल पर पहुंचने वाले सपा नेताओं की संख्या भी बढ़ती चली गई। नेताजी के छोटे भाई अभयराम यादव और राजपाल यादव ने भी पुष्प अर्पित कर उन्हें याद किया, मैनपुरी की बड़ी विजय को उनका आशीर्वाद बताया। समाजवादी पार्टी ने मैनपुरी में उपचुनाव नेताजी के नाम पर लड़ा, हर एक सभा और मंच से नेताजी का जिक्र किया, उनके काम गिनवाए, उपलब्धियां बताई। मैनपुरी में अब समाजवादी पार्टी जीत का झंडा फहरा चुकी है तो पूरे परिवार ने नेताजी के समाधि स्थल पर पहुंचकर एक एक कर मत्था टेका। मैनपुरी से चले सपा के नए विजय रथ को पार्टी 2024 में पूरे धूमधाम से दिल्ली पहुंचाने के मिशन में जुट गई है और इसके लिए सबको मुलायम के नाम का सहारा है। एबीपी गंगा के लिए सैफई से वीरेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।